श्री राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे टू रिंग्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और एक हम देखिए कितना प्यारा रिंग है ये, है ना? मेरी रिंग है, आप जानते हैं। तो कोई नहीं, आज मैंने इन्हीं को आप लोगों के लिए ऑप्शंस रख दिए हैं। तो ये फर्स्ट हैं, और ये भी मुझे बहुत प्यारा है, और तो इसे देख लीजिए आप। ये आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन रहेगा, ओके? तो चलिए और देखते हैं कि आप लोग जो है अभी आगे आप लोग की लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है? और इस नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। कैरियर में अच्छा आने वाला है, या फैमिली में आने वाला है, या फिर आप और जो है लव लाइफ में है, कि क्या आ रहा है, ठीक है? तो हम देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि हमारे व्यूवर्स जो इनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, आखिर उनके लाइफ में जो है नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, सबसे फर्स्ट आया है टेम्पल का कार्ड, आया है टेम्परेंस। ओके, एम्परेंस का कार्ड, इनको टेम्परेंस लिखा हो लेकिन एम्परेंस बोलते हैं। किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, बहुत कुछ आ रहा है पाइल फर्स्ट वालों, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। मैं सी आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, और एक मिनट मैं जो है कैमरे को ठीक कर देती हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से कार्ड देख पाओ, ठीक है? अब ठीक है, ओके। सॉरी गाइस, तो कान्हा जी को देखे बिना तो मुझे चैन मिलता नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये रीडिंग उनसे मैच करेगी जिनकी लाइफ में भैया थर्ड पार्टी कूट कूट के भरी हुई है। इन थर्ड पार्टी को तो चटनी की तरह कहीं कूट के भगा दो तो अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये अपना कर्मा है इनका, और आपका कर्मा अलग है और हमारा कर्मा अलग है ना? तो ये सब हम सभी के लाइफ में लिखे होते हैं, तो लिखे हो को कोई बदल नहीं सकता है मेरी जान। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दूँ कि ये आप लोग जो है बैलेंस जो करना चाहते हो, बैलेंस होना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो इस समय। तो आप नवंबर मंथ में जो है बहुत बैलेंस होने वाले हो, आप लोगों की लाइफ एक बैलेंस पटरी पे आने वाली है। अब कहोगे कि दी ये बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, तो इसका ये मतलब है यदि आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप ब्रेकअप सिचुएशन पे हो और ज़्यादा ब्रेकअप की चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही माइंड में लेकर घूम रहे थे, अपने आप को भी संवारना नहीं, अपनी लाइफ को देखना नहीं, तो ये चीज़ जो अगर आप कर रहे थे तो वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे कार्ड, आप लोग ज़्यादातर नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर जो है ये खुद आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि दीदी नो कांटेक्ट में हैं, ये तो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे? तो मेरी जान, समय का पहिया घूम गया है नवंबर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग जो है रियूनियन में आने वाले हैं। ये इंसान जिस भी थर्ड पार्टी में है वहाँ से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बर्डन है ये इंसान इस समय, और ये आपको लेकर ही दिन रात सोच रहा है। आप लोगों के लाइफ में जो आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति बनी हुई थी, उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, रिजोल्व सॉर्ट आउट करना है, इस बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। कन्फर्मेशन हम लेंगे मिनी कार्ड से। प्लीज यूनिवर्स बताएं रियलिटी में क्या है इनका, आखिर थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी आखिर क्यों
ब्रेक, हार्ट ब्रेक है। देखो बिल्कुल मैंने कहा इनका थर्ड पार्टी अगर है आप लोगों की लाइफ में, मुझे यहाँ पे किसी किसी की फैमिली नज़र आ रही है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये फैमिली की तरफ से जो इंसान है बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत बर्डन है, बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है। हार्ट ब्रेक हुआ है इनका और फैमिली ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये इंसान जो है उन चीज़ों से निकल कर बाहर होकर ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है बढ़ रहा है। अब इस इंसान को फैमिली या किसी और की तरफ नहीं देखना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून आपके कनेक्शन पे ध्यान देना चाहते हैं, ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी में रहते रहते हो गए हैं परेशान। और अब इस हार्ट ब्रेक को जो है अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों को जो है ये इंसान जो है साइकिल एंड करना चाहता है। तो ये आफ्टर ऑल आप लोगों के लव रिलेशन की रीडिंग निकल कर आई है नवंबर मंथ में। ज़्यादातर ये पूरी कहानी जो है नवंबर की आप लोगों की लव लाइफ से ही है। अगर कैरियर वाइज आपने ये रीडिंग देखा है तो माय डियर ये आपके लिए नहीं है, ये लव लाइफ के लिए ही निकली हुई है। आप लोग अगर मैरिज में हो तो भी, अगर मैरिज में नहीं हो तो भी, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो भी ये आप लोगों की रीडिंग है, और डिवाइन मैस्कुलाइन हो तो आपकी रीडिंग है। था थी करंट में जो है आप लगा लीजिएगा, मैं जैसी हूँ यानी गर्ल्स हूँ तो गर्ल्स के हिसाब से ही बोलूँगी, ओके। दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि अगर ये इंसान मैरिज के लिए अपनी फैमिली से लड़ नहीं पा रहा था तो अब वहाँ पर जो है इनका इतना हार्ट ब्रेक हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की किसी किसी की, देखो किसी किसी की स्ट्रांगली जो है कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज से ही आप लोग मतलब अपने घर के खिलाफ जाकर ये मैरिज कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपके पार्टनर के अब दिमाग की बत्ती है ना बहुत अजीबोगरीब हो गई है। ये इंसान को कनेक्शन किसी भी हालत में चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ निकल कर आई है फर्स्ट फाइल वालों। ज़्यादा लंबी रीडिंग हम नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं अगर आप कैरियर वाइज अगर रीडिंग देख रहे थे तो वन कार्ड निकाल देती हूँ आपके कैरियर में नवंबर लाइफ में, नवंबर में क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि होता है ना आप कई बार राधा राधा जय श्री राधा आ गया कार्ड कैरियर। वाव, कैरियर में यदि आपने होप छोड़ दी थी तो कैरियर में वहाँ से आप लोग को होप और स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही आप लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने जॉब कैरियर के लिए, तो अब समय का पहिया आपके हक में है और भाग्य जो है आपका साथ देगी और आप लोग जो है वो अचीव कर पाओगे। बिजनेस यदि आप लोगों का मंदा चल रहा था तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में, ओके। तो ये चीज़ फाइनली आपके साथ होने वाला है। चलिए, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की फर्स्ट पाइल वालों। अब हम सेकंड पाइल वालों के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन राधे नारायण गाइड कीजिएगा कि आखिर हमारे सेकंड पाइल वालों के लिए। हाय, पहले हाय सेकंड पाइल वालों, आप सभी का मेरा श्री राधे राधे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ कि आखिर हमारे सेकेंड पाइल वालों के लिए क्या आ रहा है नवम्बर लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स, नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। एक कार्ड आ गया है तो देख लेते हैं। ओके, कछुए की चाल क्यों आई है भैया, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे लगता है सेकंड पाइल वालों आप लोगों ने बहुत वेट किया है किसी चीज़ का, अब बेसब्री से वेट किया है आप लोगों ने। आप लोग इस पाइल में मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ को आप लोग जो है बहुत लड़े हो किसी चीज़ के लिए, चाहे आप कैरियर के लिए हो सकता है या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर आप जो है अपने लव लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरे हो। आपको जो है ना अभी करंट में ही अपने लाइफ में या लव रिलेशन में कुछ ऐसी बातें पता चली है आपके सामने, ठीक है। तो आप जो है ना बहुत अग्रेसिव में हो, ईगो में हो, आगे हो इस टाइम। तो जो है नवंबर लाइफ में, नवंबर में जो आपके लिए है स्टकनेस से बाहर आओगे आप,
ये रिवर्स में आया था, बट ये जो है आप इस टफनेस से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो और धीरे धीरे जो है आप लोगों से हटते जा रहे हो। आप लोगों के सामने अपनी बातें बताना, ये बॉटम डेक में है, बताना आपने जो है छोड़ दिया है। आप जो है उन लोगों को फाइनली अपनी लाइफ से लेट गो करने वाले हो जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको एक सही सही डिसीजन भी नहीं देते और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो आप उन धीरे धीरे उन सभी मेंबर से ना दूर हटते जाओगे और आप अपने गोल्स पे ध्यान दोगे। कन्फर्मेशन है ये, 100% डिवाइन ने कन्फर्मेशन दे दिया है। दूसरी बात कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर जो इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, जो खुद कमा खा रहे हैं अपने बलबूते पे, तो आप कहीं ना कहीं जो अग्रेसिव के मूड में थे, या आप यूँ कहो अगर आप किसी अथॉरिटी पावर में आना चाहते थे, तो वो पावर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और यू नो इस मंथ में सेकंड पाइल वालों, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी जॉब में अगर तैयारी कर रहे थे तो वो आपको 100% मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली जो है आप इस मंथ में जो है दो सिचुएशन में अगर फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपको एक क्लियरिटी और एक क्लियर कट माइंड सेट आपका हो जाएगा इस नवंबर मंथ में कि आपको असल में करना क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस जगह क्या मूवमेंट करना है, मूव ऑन करना है लाइफ में या आपको कंटिन्यू करना है। तो अब आप वो फैसला ले लोगे नवंबर मंथ में। आप जो है अगर आपके रास्ते कोई भी ऐसी चीज़ आती है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी, तो अब आप उनका वेट नहीं करोगे, आप अब स्ट्रिक्टली फैसला लोगे, ठीक है। आपको कुछ बातें ऐसी पता चलने वाली हैं जिससे आप तुरंत फैसला लोगे, और यकीनन ये फैसला जो है आपके लिए कैसा रहेगा हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। प्लीज यूनिवर्स, क्या इनका फैसला सही रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सही रहेगा, क्या इनका फैसला सही रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। और श्री राधे प्लीज़ बताएं क्या इनका फैसला, बहुत कार्ड गिरते बहुत रहते हैं, और क्या इनका फैसला सही रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये कार्ड आना चाहता है, यस, आपके इस फैसले से कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई पास्ट से आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, जो फैसला आप लोगे, ठीक है। आपके कोई पर्सन जो है, अगर आप वेट कर रहे हो उनका, तो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, बिल्कुल ये इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान लौटता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टिंग जो है नवंबर में 100% जो है आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अवेकन हो रहे हो आप, पूरे एक प्योर सोल की तरह निखर के आ रहे हो। जिस काम को आप सोच विचार कर रहे हो, वो काम जो है आपका पूरा होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आपको चीट करके गया था और आप उसी में कंफ्यूज हो कि मैं इस इंसान को वापस लूँ, विश्वास करूँ या ना करूँ, तो यस, आप अगर फैसले में नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले इस नवंबर मंथ में आप जो है यकीनन फैसला ले लोगे। आफ्टर ऑल ये रीडिंग जो है मिला जुला कर मिक्स रीडिंग आई है, तो सेकंड पाइल वालों, आपके लाइफ में कोई एंट्री मार रहा है, आपको उस इंसान पे विश्वास करना है या नहीं करना है, बड़ा सोच समझ के आप लोगों को जो है इस इंसान पे फैसला लेना है। इस इंसान पे अगर आप लोगों को ट्रस्ट करना भी है, तो अपने कमिटमेंट हुई, दो कार्ड है यार, वाओ, यस, ये इंसान आपका 100% पास्ट पर्सन है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। इस इंसान को जो है आपको मौका देना चाहिए, बट थोड़ा ये इंसान पे भरोसा करने का समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जितना तेज़ी से आ रहा है, उतनी ही तेज़ी से बैक स्टेप कर सकता है, ठीक है। तो अब वो आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये इंसान जो है प्योर टी के साथ आ रहा है,
कमिटमेंट के साथ आ रहा है या फिर से कोई ना कोई चीटिंग करके उड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये थी सेकंड फाइल वालों आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों से रेजुनेट हुई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप लोग जो है रीडिंग कर बुक कराना चाहते हैं तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराएं मेरी जान। व्हाट्सएप पे मुझे जो है आप अपने को रीडिंग बुक करा सकते हैं। आफ्टर लोड आप सभी प्रे करती हूँ आप लोग जिस भी स्थिति में हो जल्दी से जल्दी खुशियों भरे दिन में आप रहो, ख्यालों ख्यालों में रहें। आप जो चाहें आपके मन की इच्छा पूरी हो ना हो, लेकिन मेरी नारायण आपके लाइफ में अच्छा जरूर करें। ठीक है, तो सभी को श्री राधे राधे।